हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह सुबह, और सुबह सुबह ही मम्मी गए थे पार्क। देखो बा बा बा, देसी जुगाड़। और ये खरगोश के लिए। वाह, मम्मी को देखना। मम्मी ना सुबह सुबह अकेले निकल जाते हैं। अब देसी लो, सबको पता लगे ना मेरी मम्मी जाती है पार्क तो क्या क्या जुगाड़ करके आती है। ये खरगोश के लिए झाड़ू ले, ये मां के झाड़ू ना उस बोल के। वाह, जिसकी कमर सीधी नहीं होती है ना, वैसे मेरे कमर में दर्द होती है, खड़े खड़े लगा ले, बना दिया बनी ना। ओ बाबा, देख लो भाई, मम्मी बता रही टेक्निक। जिसकी कमर सीधी नहीं होती, कमर में दर्द होता है, हाँ, वो खजूर के पत्तों का बना सकता है। तो गाइस, आज लुधियाना में ना वोट पड़ने वाला है, तो पापा जी वोट नहीं देने जा रहे हो? मम्मी जा रहे हैं बच्चा, अभी नहा धो के जाएंगे, बाद में धूप लगेगी ना, अभी जा रहे हैं ना। हाँ, लाइन में भी खड़ा रहना हो सकता है, क्योंकि सब लोग यही सोच रहे हैं सुबह सुबह जाएंगे ठंडे में, अपना देके आ जाओ। पर्ची नहीं आई तेरे साथ? आई है हमारी, वही आएगी, इन लोगों की आई है। पापा जी की भी नहीं आई है? पापा जी की मेरी रहने आई है, बाकी सबकी आई है। अरे बापरे, चलो दी और भाई तो है नहीं, उनका तो वोट रह गया। हमारे घर से 6 वोट जाते है पता है, अब 13 बन जाएगा तो 7 हो जाएगा। देखो भाई, हमारे घर से 6 वोट है। यहाँ के नेताओं को बता दूं, हमारे घर से 6 वोट बहुत बड़ी बात होती है, एक भी बहुत बड़ी बात होती है, एक से भी बंदा जीत जाता है ना। अगले साल 7 आएंगे। हाँ, अगले साल मेरा भी हो जाएगा। कुछ करती नहीं सरकार हमारे लिए, अब करेगी ना, टेंशन मत लो। करेगी ना, करेगी सरकार, अच्छा करेगी। वही देख के तो हम लोग वोट देते हैं, जो सरकार अच्छा करेगी हमारे लिए उन्हीं को हम वोट देंगे बस। तो चलिए फटाफट चाय पीजिए और लग जाइए। आज आपकी छुट्टी है? जनक भैया है जिनकी फैक्ट्री की छुट्टी होती है, एक हमारे पति देव है जिनकी छुट्टी ही नहीं होती कभी। हमारे पति देव भी ऐसे हैं। हाँ, दोनों की छुट्टी नहीं होती है। छुट्टी करनी क्यों है ये बताओ? वोट देने जाना। वो तो अभी सवेरे सवेरे हो जाएगा, 9-10 बजे तक पहले सारा हो जाएगा। बोल देना बाबू को, वोट में लंबी लाइन थी, लेट हो गए। वो तो नहीं भी जाऊंगा तो कोई टेंशन नहीं है। स्पाइकी, तूने नहीं वोट देने जाना है? प्यास लगी है इसको। तो गाइस, हम निकलते सीधा वोट डालने के लिए। मम्मी पीछे बैठ गई है, पापा ही वहाँ पहले पहुँच गए, सुबह पहुँच गए, लाइन लगा के वहाँ खड़े हैं। तो हम जा रहे हैं सीधा वोट डाल के आ रहे हैं। चलो फिर चलते हैं, वहाँ फोन अलाउड नहीं है, तो इसीलिए नीचे बना के जा रहे हैं वीडियो हम। तो गाइस, गुड्डू और मम्मी पापा गौतम भैया सारे लोग चले गए वोट डालने के लिए, मैं और जनक भैया यहाँ पे बचे हुए हैं। तो अभी काफ़ी टाइम लगा, वहाँ पे बहुत भीड़ है बता रहे थे, और वहाँ अंदर फोन अलाउड है नहीं, आपको पता ही है। तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा उनको आने में, आ जाएंगे। और आप भी अपना वोट जो है वो जरूर दे। पता नहीं, ये भी 3 तारीख को शायद रिजल्ट आ ही जाएगा, आज का शायद लास्ट लुधियाना पंजाब में ही है, बाकी जगह वोट पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े हैं, कहाँ नहीं पड़े हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आज है, आज 1 तारीख है और आज हमारे यहाँ वोटिंग शुरू है। तो सुबह सुबह सारे लोग निकल गए हैं खाना पीना नाश्ता करके, आप भी वोट देने जरूर जाए, और जिन लोगों ने दे दिया वो तो बहुत अच्छी बात है। ये देखना, हमारे घर में नए मेहमान आ रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? आप भी कॉकरोच से डरते हो? पहले कैसे उठाया? या असली था क्या? असली असली तो क्या था? ओ देखो उधर पड़ा है, कहाँ फेंका आपने? असली था, नकली थोड़ी था, कहाँ गया? हाथ में चुबाना काटा है क्या? कहाँ गया भाई? असली था सही में। लो, आपको क्या लग रहा है नकली? इधर ये देखना, यहाँ पे गया हुआ है। चल स्पाइकी, स्पाइकी ऊपर नहीं, चल देखना, इसके अभी भी पैर हिल रहे हैं। स्पाइकी देखेगी तो इसको जान से मार देगी, इसको बाहर बाहर ही रख देती हूँ। चलो भाई, ये देखना असली कॉकरोच, पता है चाइना वाले इसकी चटनी बना के खाते हैं। मेरे को दे दो, मैं भी बनाऊं।
स्पाइकी देखेगी ना इसको मार डालेगी, इसको बाहर ही रह देती। स्पाइकी गया बाहर, चल स्पाइकी नहीं चलो, क्या बिगाड़ा उसने, चल इधर आ जा, जा जा बैठ आगे, पापा और देखे। हाँ बच्चा भीड़ती, भीड़ बड़ा भीड़ है। तो सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिनकी भी वोटर आईडी बनी है वोट देने जरूर जाएं। ये अपना वो है ना, अपना वोट है, अपना हक है, अपना अब सरकार लेनी है। तो अगर मैं सोचू कि नहीं यार मैं ड्यूटी जाऊं वोट ना दूं, अगला सोचे तो वो कहां से सरकार आएगी। वही तो। हाँ तभी हो गया, सुबेरे जल्दी चला गया था, वोट भी हो गया, अब मैं जॉब में जाता हूँ आराम से। उधर मालिक रह गया, इधर मेरा फर्ज भी हो गया। सही बात, बढ़िया। अब वो लोग कितना चिल्ला रहा था, ओ, 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 डाल के आ गए। चलो तुझे जल्दी भेजा, नहीं मैंने फोन किया कि उस समय लाइन कम थी जब मैंने फोन किया था। अच्छा, मैं कहीं इनको जल्दी भेज दे, थोड़ी देर लाइन में खड़े रहने दो ना, धूप लगी है ना बच्चा, छाव नहीं हुआ, पत्थर उतरे नहीं लगे हुए, पत्थर का ऊपर लगी है पर्दा, कितनी भीड़ है भाई, बाहर तक लाइन लगी है, अंदर जाके पर्ची ले गए होते पहले तो पर्ची कट गई होती। नहीं नहीं पर्ची तो उनकी जो घर आई वही चलेगी। अच्छा आपकी वहीं से कटा ली थी ना आपके और मम्मी, मैंने लग लिया था। चलो भाई, तो पापा ने ये मैसेज दिया कि जिनकी भी वोटर आईडी बनी है अपना जो हक है वोट देने जरूर जाए, क्योंकि सरकार हमें चुननी है। बस तो गाइस मैंने ना फेंक दिया था इसको बेचारे को, तो मुझे ना एक आइडिया आया, आपके भैया है ना गुड्डू, मतलब मेरे हस्बैंड, वो ना बहुत ज़्यादा डरते हैं कॉकरोच से, तो मैं सोच रही हूँ ना क्यों ना उनको डराया जाए। इसके लिए इसको वापस से उठा के लेके आई मैं, तो अभी आएंगे वोट देके जैसे ही ना, तब हमारा काम खेल होगा शुरू, और उनको मैं बोलूँगी हाथ दो, एक सरप्राइज है आपके। बस ये कॉकरोच उनके हाथ में, गुड्डू आ चुके हैं वोट देके, और अब गुड्डू को सरप्राइज देने की बारी है। गुड्डू आपके लिए सरप्राइज है, आपके लिए सरप्राइज है। क्या खाने का चीज याद रखो, हाथ आगे करो, क्या सरप्राइज है, ऊपर करो हाथ, थोड़ा सा ऊपर करो, आग बंद करो, अभी मजा आएगा ना, भिड़ो खोलो आगे लो हाथ असली असली है। ये भगवान क्या जुलूम है, क्या हुआ असली कितना मस्त लगा, इसके पैर भी अभी तक हिल रहे हैं बेचारा। गुड्डू ने जाओ झाड़ू लेकर निकालो उसको बाहर, निकालने बाहर फिर Later that same evening. तो मैं सोच रही थी ना कि इतनी ज्यादा गर्मी लगी है, तो मैं सोच रही थी क्या करूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, मेरे दिमाग में आ गया एक और आइडिया, और मैं सोच रही हूँ क्यों ना सबको गुलाब जामुन बना के खिलाया जाए। तो दूध मेरे पास था नहीं, मैंने मार्केट से मंगा लिया है ये गुलाब जामुन का पाउडर, तो अभी चलते हैं फटाफट बनाते हैं गुलाब जामुन, और आपको भी बताते हैं, बहुत ज्यादा इजी है, अगर पाउडर है आपके पास गुलाब जामुन का जो है तो बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस दो चार जो है वो करना पड़ता है काम, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्या क्या करना पड़ता है, आप भी फटाफट सीख जाओगे। जिनको आता है वो तो भाई स्मार्ट है, जिनको नहीं आता सोचते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा ये लगता है, बहुत कठिनाई होती होगी बनाने में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गुलाब जामुन बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ दूध वाला जो है दूध फाड़ के बनाते हैं, दूध उसको करके बनाते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो पाउडर है आपके पास तो उसमें ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरी चाशनी रेडी हो चुकी है, और हम तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इलायची को बारीक कर ली है, और इसमें थोड़ी सी इलायची ऐड कर रहे हैं, जिससे जो इसकी खुशबू है ना इतनी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी ना, पूछो मत।
तो यहाँ पे मैंने वो दूध, जो दूध का पाउडर था वो मैंने निकाल लिया हुआ है, गुलाब जामुन पाउडर। और अभी हम इसमें ना इसको गुनेंगे दूध के साथ। तो गाइस यहाँ पे हमारा आटा गुन के रेडी हो गया है, और इसको ना थोड़ा थोड़ा दूध डाल के, मतलब ये करना है, गुनना है। अगर ज्यादा एक साथ दूध डाल दिया तो ये गीला हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा दूध लेना है, थोड़ा थोड़ा करके उस हिसाब से उसको गुनना है। एक ही बार में अगर आप ज्यादा डाल दोगे तो ये गीला हो जाएगा। अब इसकी छोटी छोटी हम बना लेंगे गोलियां। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसकी छोटी छोटी गोलियां बना ली है, और यहाँ पे हमारा तेल पक्के हो गया है रेडी, और चाशनी भी पक चुकी है। चाशनी थोड़ी थिक बनानी है हमको, थोड़ी मोटी, तो अभी ये तो थोड़ी पतली है, इसी भी मोटी, जब तक हाथ में चिपचिपा ऐसा चिपचिप जैसा ना लगने लग जाए तब तक। तो गाइस आप चाहो तो इसमें खोआ भी अंदर ऐड कर सकते हो, मेरे पास तो अभी था नहीं तो मैंने साथ सिर्फ यही लिया हुआ है। इसके अंदर आप खोआ डाल के भी बना सकते हो, और थोड़ा सा इसमें सोडा भी, खाने वाला सोडा भी ऐड करना, तो ये स्पॉन्जी बनता है थोड़ा सा। तो अभी चलते हैं फटाफट फ्राई करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा गुलाब जामुन धीरे धीरे पक रहा है, लो फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं ज्यादा पकाना है, नहीं तो ऊपर का पूरा ब्राउन हो जाएगा और अंदर नहीं पकेगा। तो गाइस हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं, आधे मैंने इसमें भिगा दिए हुए हैं और आधे अभी बाकी है। सो गाइस थोड़ा मीडियम फ्लेम में पकाने के बाद इसको ब्राउन होने तक पकने दे। तो गाइस हमारा गुलाब जामुन रेडी है, और मम्मी पापा कुछ कराते हैं अभी टेस्ट, नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा पता नहीं, यहाँ तो फर्स्ट टाइम बनाया है। पहले भी तो बनाए थे? नहीं पहले नहीं बनाई हूँ, एक बार बनाई थी शायद से ना। अच्छा पहले रसगुल्ले बनाए थे? रसगुल्ले बनाए थे, चाशनी में डुबा के खाना। ये है गुलाब जामुन, चाशनी में डुबाना, चाशनी में डुबा के खाओ फिर टेस्ट आएगा बढ़िया। ठंडी में बना कर खिलाना चाहिए, ठंडी में खाने का मन गर्मी में करे, ठंडी में क्या खिलाना है ना। कैसा है? कैसा करते हैं ना, दुकान खोल देते हैं हलवाई वाले। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। कसम से यार देख 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 तो खोल ही लेते, बहुत टॉप चलेगा। कसम से नहीं है कि ना, नहीं है कि ऐसे बना भी है कि है नहीं है वो फेल हो रखा है दुकान का टेस्ट। इसमें तो और टेस्ट आ रखा है। गुड्डू को बोल दे ये भगवान इलायची भी खा गए मम्मी। वाह थैंक यू। घर का बनाने का वैसे टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। तू खाएगी तो क्या, मेरा मुंह छोटा थोड़ा है। वो नहीं सही में अच्छा ज्यादा बनाई है ना ये? हाँ बनाई हूँ, मजा आ गया। एक दो गाइस को खिला दो। सही में गाइस बहुत टेस्टी बनाया, इतना टेस्टी बनाया बच्ची ने ना दिल खुश कर दिया। सो गाइस अब कराते हैं अपने पति देव को टेस्ट। खेलम खेलम बंद करो। ये क्या है? पता नहीं। मैंने तो सोच लिया है यार। क्या? गुलाब जामुन ना खुले बड़े बड़े अक्षर में लेते खुशी स्वीट्स। माय गॉड खुशी स्वीट्स क्यों लिखेंगे आपके नाम से? खुलेगा खुलेगा तो क्या, क्या कारीगर तू होएगी? कारीगर मैं होंगी, ओनर आप होगे? नहीं तो है ना मम्मी, मेरे नाम से क्यों रहेगा? खुशी स्वीट लिखेंगे, बंदा खुश होके आएगा ना दुकान में। सच में मजा आ गया, सही में मजा। देखो बाजार में बाजार में तो कोई ना कोई कमी, कभी गांठ आ जाती, कभी कुछ थोड़ा बासी जैसा कुछ महसूस होता है। आधा किलो किलो बना के रख देते, इसमें कड़ा नहीं आधा पीस
हाँ वही अब कभी गुलाब जामुन हो गया, कभी व्हाइट वाले, देखा नहीं कितना बना के रखा है, कभी व्हाइट वाले हो गए जो व्हाइट वाले बनते हैं रसगुल्ले, देख मेरा देख इधर पापा का गुलाब जामुन, मेरा गुलाब जामुन देख रहा है, अगर कोई खा के दिखा दे तोड़ के ये कहाँ से लाया पता, कहाँ से, जब तुम मामा अंता घर से, तो मामा को मामा वो अपना मौसी के वहाँ गए थे, तो मैं खोले के रास्ते रास्ते अच्छा जंगल से वहाँ से लेके आया था, वहाँ गिरे थे, हाँ पेड़ की तक देख दिखाया नहीं उसको वहाँ पे अखरोट के पेड़, अरे वाह आप है जहाँ मम्मी वो नहीं कर रहे बाइक लेके गया, अच्छा वहाँ पे तो खाओ एक तो पूरा खाओ, खाना खाने के बाद ये पूरा खा तो लिया, एक ये खाओ, बहुत बना रखे यार, बहुत बनाया है, कितने 3-4 किलो, नहीं 10 किलो कम से कम, 10 किलो कम से कम, वाह अब सही है, और शाबाशी तो दे दे उसको, शाबाशी दो, शाबाश मार रहे टक 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 लगी मेरे को, चलो फिर खाना, खाना अभी नहीं होता, क्या 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 क्या, कोई नहीं 9 बजे खाएंगे अब, अभी टाइम है, है ना, तूने रसगुल्ला खिलाया, सागर ने गोलगप्पे खिलाए, अब क्या खाएं, हाँ मैंने पापा ने जूस पिलाया, आज तो खाने नहीं है, मेरा नाम तो बेटा आता ही नहीं है, सब आपका ही नाम, टाइम से पिलाया था ना, वो हजम हो गया, इन दोनों के तो साथ साथ में हो गया, इसी करके सही बात है, चलो सबको बहुत ज्यादा पसंद आया और मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैं जो भी बनाती हूँ सबको पसंद आता है, तो चलिए इसी खुशी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना और जो हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।